यहाँ पे खड़ा रहेगा ना तो ही आएगा ना सबको। हाँ चलो चलो। हाँ चलो। हाँ बराबर। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से गुजारिश है कि हम कलवा भास्कर नगर से बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पे मजदूर हैं और कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है आज तक। यहाँ पे कहीं से भी किसी की कोई मदद आई नहीं और आज आलम यह है कि लोग फाकाकशी कर रहे हैं अपने घरों में। हालात ऐसे हैं कि हमने अपने गली में पास पड़ोसियों को जमा किया है, कुछ ज़्यादा नहीं, लोग शर्म की वजह से बाहर नहीं आ रहे, नहीं निकल रहे क्योंकि लोग वीडियो के सामने अपना फेस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक शर्मिंदगी वाली बात है। फिर भी हमने अपने गली में दो चार लोगों को इकट्ठा किया है। उनकी परेशानी का आलम यह है कि लोग फाकाकशी कर रहे हैं। आज हमने लिस्ट जो बनाया है 125 लोगों का जो लिस्ट बनाया है, ये 125 लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा बेरोजगार है। मुझे शर्म आती है 125 लोगों का नाम देते हुए, लेकिन फिर भी परेशानी के आलम में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने भाइयों के लिए कोशिश करें, मदद करें। तो कोई हमारा अमीर भाई जो है इन लोगों के लिए जो है एक फरिश्ता बन के खड़ा हो जाए और इनकी हेल्प करें। उनकी परेशानी का अलग ही है, उनके घरों में खाने को नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग